हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीएल ऑनलाइन क्लास क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर सेकंड हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 8x - 3/3x = 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड 9x / 7 - 6x = 15। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब देखिए, इससे पहले हमने आपसे डिस्कस किया था इक्वेशन सॉल्व करने का जो मेथड है वो हमारे पास क्या होता है, ये LHS पार्ट होता है हमारा और ये हमारे पास क्या है RHS पार्ट। तो LHS पार्ट में हमारे पास मोस्टली क्या होते हैं वेरिएबल्स होते हैं और RHS पार्ट में हम कॉन्स्टेंट को रखते हैं और ट्रांसफर करने पर जो नंबर ट्रांसफर करेंगे उनके साइन क्या हो जाते हैं अपोजिट हो जाते हैं। देखते हैं वन बाई वन। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास 8x - 3/3x = 2 है। अब देखिए इसके अपॉन में कुछ नहीं तो आप क्या लगा सकते हो 1। ये फ्रैक्शन फॉर्म में तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स क्या होता है, जो चीज डिवाइडिंग होती है किसमें पहुंच जाएगी मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा 8x - 3 = 2 × 3x और 1 को 8x - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 8x - 3 रहेगा। हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 8x - 3 = 2 × 3 = 6x। अब देखिए ये वेरिएबल पार्ट RHS में आपको नजर आ रही है, ये ऑलरेडी LHS में, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को इधर ट्रांसफर करेंगे और वेरिएबल वाले पार्ट को इधर ट्रांसफर करेंगे। लेकिन ट्रांसफर करने पर साइन क्या हो जाते हैं अपोजिट हो जाते, प्लस का 6x इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6x और माइनस के 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3। अब देखिए 8x - 6x, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2x, बड़ी वाली डिजिट के साथ साइन पॉजिटिव है तो इसलिए प्लस का 2x = 3। अब देखिए वेरिएबल के मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट 2 है तो 2 RHS में ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई में किसमें पहुंच जाएगा आपके पास डिवाइड में x = 3/2, दैट इज आंसर। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2 आंसर। आप अपने जो आंसर है उसको आप चेक भी कर सकते हो, जो वैल्यू आई है उसको क्वेश्चन में एज इट इज पुट करने पर LHS = RHS आना चाहिए आपके पास। देखते हैं, देखो चेक करके देखते हैं, आपको आना चाहिए चेक करना भी चेक, तो आप श्योर हो जाओगे कि आपका जो आंसर है वो 100% राइट है। तो x की वैल्यू 3/2 हमको क्वेश्चन में पुट करना है एज इट इज। क्वेश्चन हमने वापस राइट किया और इसमें पुट क्या करना है आपको, जो वैल्यू आपके पास फाइनल है x = 3/2, तो जहां पर आपको x नजर आ रहा है वहां पर आपको क्या रिप्लेस करना है 3/2 रिप्लेस करना है। 8 × 3/2 - 3/3 × 3 = 2। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर सकते हो आप, 2 से ये 4, 2 × 4 = 8, 3/2 में कुछ नहीं तो आप क्या लगा सकते हो 1 लगा सकते हो, तो 4 × 3 = 12 - 3 और अपॉन में 9/2 एज इट इज और ये इक्वल टू में क्या चल रहा है 2। अब देखिए 12 में से 3 माइनस करेंगे 9 अपॉन 2 इक्वल टू में क्या चल रहा है 2। अब देखिए डिवाइड में डिवाइड, ये डिवाइड और डिवाइड में डिवाइड है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 इसके मल्टीप्लाई में और 9 डिवाइड में, तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 2/9, 9/2 है रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर आने पर 2 मल्टीप्लाई में और 9 डिवाइड, 9 से 9 कैंसिल, तो इसका रिजल्ट क्या है और ये किसके ऊपर चल रहा है 2, तो 2 = 2। LHS = RHS इसका मतलब जो हमने आंसर फाइंड किया था वो हमारा राइट है 100%, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो अपने आंसर। ऐसे ही हम सेकेंड क्वेश्चन अटेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड 9x / 7 - 6x = 15। अब देखिए 15 के अपॉन में कुछ नहीं तो आप क्या लगा सकते हो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई का मीन्स वही होता है जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, ऐसे ये 1 डिवाइड में तो यहाँ इसके मल्टीप्लाई पहुंच जाए उसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं सिंपल। 9x / 1 = 15 × किससे होगा 7 - 6x क्रॉस मल्टीप्लाई।
अब 9x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9x ही आएगा। इसका ब्रैकेट ओपन करना है, 15 7 जा 105 प्लस माइनस क्या होता है मल्टीप्लाई में, माइनस होता है 15 6 जा 19 और साथ में क्या है इसके x। अब आपको वेरिएबल ये देखो वेरिएबल दिख दिया माइनस 90x माइनस को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये 9x एज इट इज माइनस का प्लस हो जाएगा 90x इज इक्वल टू 105। 9x प्लस 90x प्लस करिए 99x इक्वल टू 105। अब x के मल्टीप्लाई में क्या है 99 मल्टीप्लाई में तो किसमें पहुंच जाएगा डिवाइड में, x इक्वल टू 105 अपॉन 99 कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हो, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 जा 9 3 जा 9 3 जा 9 एंड 3 5 जा 50 तो ये आएगा हमारे पास रिजल्ट 35 अपॉन 33। x की वैल्यू आपके पास क्या आई 35 अपॉन 33 दैट इज आंसर। आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो, जो x की वैल्यू आई वापस क्वेश्चन में पुट करने पर LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में चेक किया था। तो आपको चेक करना है x की वैल्यू पुट करके देखना है LHS इक्वल टू RHS आएगा तो हमारा आंसर राइट है, अदरवाइज कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक किए रॉन्ग हो सकता है।